ये है होंडा की तरफ से आने वाली यूनिकॉर्न। ये जो बाइक है ना 160 सीसी की बाइक है, 2024 का सबसे लेटेस्ट वाला मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिकॉर्न की बैजिंग मिल जाती है। बाइक जो है काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको E20 पेट्रोल का अपडेट भी आ चुका है। बाकी ये जो कलर है ना, आपको ग्लॉसी ब्लैक वाला कलर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी बाइक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। और 2024 में क्या प्राइस होने वाला है बाइक का, बाकी यहाँ से आप रियर व्यू वगैरह देख सकते हो, बाइक का काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ से आपको साइड से दिखा दे तो बाइक यहाँ से आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी लग रही है और ये 2024 का सबसे लेटेस्ट वाला मॉडल है। तो यहाँ से आप बाइक देख सकते हो, बाइक का जो लुक है ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें ना इस बाइक की, तो 1,10,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस चला जाता है। बाकी इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइजर वगैरह इसमें यहाँ पे ग्लॉसी लुक में मिल जाता है। सामने यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है। बाकी आपको सामने की तरफ यहाँ पे क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी इसका जो कलर है ना, आपको फ्यूल टैंक में अभी दिखाऊंगा कि इसका कलर कैसा लगता है। बाकी ये ब्लैक ग्लॉसी वाला कलर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की बात करें ना, तो आपको हाइलोजन सेटअप के साथ इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। इंडिकेटर ऑन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स वगैरह देख सकते हो। टोटल यहाँ पे हाइलोजन सेटअप के साथ इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाता है। बाकी जो मेन लाइट है ना, आपको टोटल यहाँ पे हाइलोजन सेटअप के साथ मेन लाइट मिलने वाली है। बाकी यहाँ नीचे मडगार्ड की बात करें ना, तो यहाँ पे आप मडगार्ड देख सकते हो। टोटल यहाँ पे ग्लॉसी लुक में ब्लैक कलर का मडगार्ड मिल जाता है, ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। बाकी यहाँ पे आपको सिंगल रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी जो सस्पेंशन है ना, टेलीस्कोपिक वाले यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप MRF का टायर देखने को मिल जाएगा, टायर भी काफ़ी सही है। और इसके टायर साइज की बात करें ना, तो आपको 80/18 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। बाकी आपको ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट मिल जाएगा। और बता दें ये जो बाइक है आपको डिस्क विथ ABS के साथ है, बाकी ये सिंगल चैनल ABS के साथ आ रही है। यहाँ पर आपको 240 mm का डिस्क साइज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ABS की बैजिंग भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको डिस्क जो है ABS के साथ मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 80/18 का टायर साइज भी मिल जाता है ना, तो अभी इसके टायर में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाकी यहाँ से अपन देख सकते हो इंजन जो है 160 सीसी का है, काफ़ी रिलायबल इंजन है और ये BS6 वाला इंजन है। आते हैं इस बाइक के मीटर की तरफ, तो आपको मीटर के बारे में पूरा बता देता हूँ डिटेल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर जो है आपको टोटल यहाँ पे एनालॉग मीटर मिलता है, इसमें जो है डिजिटल मीटर का सपोर्ट नहीं आता है। लेकिन जो मीटर है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आपको साइड में RPM वाला मीटर मिल जाता है और बीच में यहाँ पे आप मीटर कंसोल देख सकते हो टोटल। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल गैस, चेक इंजन लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, न्यूट्रल और यहाँ बीच में आपको ABS के लिए और यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप की वगैरह देख सकते हो। और यहाँ हैंडल बार की बात करें ना, तो टोटल स्टील का हैंडल बार भी मिल जाता है इसमें। बाकी यहाँ से आप बटन्स वगैरह देख सकते हो बाइक का, ये भी काफ़ी प्रीमियम बटन इसमें यूज़ किया गया है। इसमें आपको पासिंग लाइट और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे हॉर्न के लिए बटन मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है, सेल्फ के लिए बटन मिल जाती है। बाकी बटन्स में आपको बैकलाइट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये माइनस पॉइंट है इसके लिए। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको E20 पेट्रोल का अपडेट भी मिल जाता है। बाकी आप कलर देखिए, यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है और ये ब्लैक ग्लॉसी लुक के साथ है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे फ्यूल कैप देख सकते हो, टोटल सिल्वर कलर में फ्यूल कैप मिल जाता है। 12 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलने वाला है इसका। और यहाँ पे देखें ना, तो होंडा का यहाँ पे 3D में लोगो मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, क्रोम पार्ट में मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आए तो सिंगल हॉर्न का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे अभी लेग गार्ड वगैरह लगा हुआ नहीं है, बाद में लग जाता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना 187 mm है, बहुत ही ऊंची बाइक है, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी गियर लीवर यहाँ पे आप देख सकते हो, गियर जो है आपको 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे जो इंजन है 160 सीसी का इंजन मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर और ये एयर कूलेड वाला है, यहाँ पे ऑयल कूलेड का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी काफ़ी रिलायबल इंजन है, पावर पिकअप काफ़ी अच्छा जनरेट कर देता है और आराम से आपको ये जो बाइक है ना, वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं आता इंजन में। अभी इंजन चालू करके भी सुना देंगे बाद में। बाकी जो साइड स्टैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ सेंसर वाला साइड स्टैंड मिल जाता है। और बता दें ये जो इंजन है ना, आपको साइलेंट वे में स्टार्ट नहीं होता है, ये टोटल आपको इंजन की आवाज़ आती है इसमें। यहाँ पे आप सेल्फ देख सकते हो, लेकिन जो 2024 की जितनी भी और 2023 में ही SP125 जो है ना और होंडा की CV Shine, उसमें आपको साइलेंट वे में इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन यह इंजन अभी साइलेंट वे में स्टार्ट नहीं होता है। बाकी यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो, टोटल ये जो है ना ऑल ब्लैक मिल जाती है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जगह जगह में क्रोम पार्ट लगाया गया है, लेकिन बाकी देखें ना बाइक तो काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ पे ग्लॉसी लुक मिल जाता है। तो और बाकी यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पास आप देख सकते हो फाइबर मटेरियल मिल जाता है टोटल मैट फिनिश में, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको माउंट सस्पेंशन की बैजिंग मिल जाती है। बाकी इसके सस्पेंशन की बात करें ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोनो शॉक इसमें मिलने वाला है, बाकी एडजस्टेबल वाले शॉक में काफ़ी सही है। और यहाँ पे देखें जो चैन कवर है, चैन कवर आपको टोटल प्लास्टिक का चैन कवर इसमें मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आप मटेरियल वगैरह देख सकते हो, बीट का मटेरियल यहाँ पे फुटरेस्ट में यूज़ किया गया है।
बाकी यहाँ पे एडजस्टेबल वाले फुटरेस्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल लेडीज फुटरेस्ट मिल जाता है, प्लस यहाँ पे लेडीज गार्ड भी लगा हुआ मिल जाएगा, ये काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न की बैजिंग मिल जाती है, बाद में यहाँ पे यूनिकॉर्न हटा के 3D में यूनिकॉर्न आ सकता है आगे चल के। बाकी यहाँ ऊपर की तरफ आए ना जो ग्रैब रील है, टोटल यहाँ पे ब्लैक कलर में ग्रैब रील मिल जाती है। बाकी वहीं पे यहाँ नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आप बैक व्यू देख सकते हो टोटल बाइक का, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छी लगती है। और यहाँ से आप रियर व्यू पूरा देख लीजिए। बाकी इंडिकेटर वगैरह आपको हैलोजन सेटअप के साथ मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको टेल लाइट भी हैलोजन सेटअप के साथ मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे पीछे आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे देखे तो नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप रियर व्यू देख लीजिए बाइक का, मेरे को काफी अच्छा लगा। बाकी यहाँ से आपको साइड से आ जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ से आप देख सकते हो बाइक का जो टायर साइज है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल यहाँ पे MRF का टायर मिल जाता है। और इसके टायर साइज की बात करें ना तो 190/18 का यहाँ पे टायर साइज मिल जाता है। और यहाँ पे जो ब्रेक है ना आपको 130mm का ड्रम साइज इसमें रखा गया है। बाकी इसका जो टायर है अभी इसमें टायर का अपडेट कुछ नहीं हुआ है, ये पुराना वाला ही टायर अभी आ रहा है। बाकी यहाँ पे देखें तो यूनिकॉर्न की बैजिंग मिल जाती है, टोटल यहाँ पे ग्लॉसी लुक मिलने वाला है। बाकी साइलेंसर की बात करें ना तो इसमें काफ़ी मोटा और काफ़ी बड़ा साइलेंसर मिल जाता है। साइलेंसर मफलर यहाँ पे आप देख लीजिए, टोटल यहाँ पे ब्लैक मैट कलर का साइलेंसर मफलर मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे AD वगैरह आप रख सकते हो, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है। और यहाँ ऊपर की तरफ आए ना तो यहाँ पे आप सीट देख सकते हो, सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल सीट इसमें मिल जाती है। इसमें आपको आराम से 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल सीट इसमें मिल जाती है। यहाँ से आप देख सकते हो बाइक का जो टोटल वेट है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल 140 किलोग्राम इस बाइक का वेट चला जाता है। यहाँ पे भी इस साइड भी आपको माउंट सस्पेंशन करके बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप सस्पेंशन कवर देख सकते हो, टोटल यहाँ पे आपको मैट फिनिश में सस्पेंशन कवर मिल जाता है। और यहाँ फुटरेस्ट में आपको टोटल बीट मटेरियल यूज किया गया है। यहाँ पे देखे तो आपको किक मिल जाता है इस इंजन में, और ये सिंगल सिलेंडर एयर कूलर वाला है। और बता दें ये इंजन जो है ना आपको फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिल रहा है, इसमें जो है आपको किक प्लस सेल्फ दोनों के साथ स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ऑक्सीजन सेंसर आता है जिससे क्या रहेगा ठंड वगैरह में आराम से इंजन स्टार्ट हो जाता है। और इसमें आपको सिंगल प्लग का सपोर्ट मिल जाता है। फ्यूल इंजेक्शन के साथ है ना तो यहाँ पे आप फ्यूल टैंक में आपको 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इस बाइक के इंजन की आवाज़ सुना देते हैं कि इंजन की आवाज़ कैसे आती है। होंडा की जितनी भी बाइक है ना उसमें आपको फ्यूल मेंटेनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें जो है आपको फ्यूल मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे अभी लेग गार्ड वगैरह लगा हुआ नहीं है, बाद में लेग गार्ड वगैरह लग जाता है। बाकी यहाँ पे नीचे आप ब्रेक लीवर देख सकते हो, ब्रेक लीवर जो है टोटल ब्लैक कलर में मिल जाता है। बाकी इस बाइक के एवरेज की बात करें ना तो ये इंजन जो है E20 पेट्रोल के साथ अपडेट हो चुका है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ भी आ रही है बाइक, तो ये बाइक जो है ना आपको आराम से 40+ का एवरेज देने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें ना तो ये बाइक जो है 1,29,500 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। बाकी यहाँ से आप बाइक देख लीजिए, बाइक जो है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। 2024 का लेटेस्ट वाला मॉडल है। अगर आपको 160cc में अगर कोई बाइक चाहिए तो आप होंडा यूनिकॉर्न की तरफ आ सकते हैं, ये जो इंजन है ना इसका काफ़ी रिलायबल रहता है। बाकी इस बाइक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है, अब आप कमेंट्स करिए और बताइए इसके बारे में और क्या जानना है, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी।